नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिष्टु राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। स्कॉर्पियो गाड़ी ने मारी टक्कर, मां बेटी की मौत। कौशाम्बी के थाना कोकरा क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास हरियाणा से इलाहाबाद जा रही बेकाबू कार ने मां बेटी को रौंद डाला। ईद की खरीदारी करने इलाहाबाद जा रही सास, पति, पोता, पोती मंगलवार सुबह 6 बजे कोकराज थाने के पास हाईवे पार कर रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने नुसरत और बेटी अलीसा 6 वर्षीय को रौंद कर निकल गई। मौके पर दोनों की मौत हो गई। इस हादसे में नुसरत का बेटा भी घायल हो गया, उसके पैर में गंभीर चोटें लगी हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई, परंतु चालक मौके से फरार हो गया। इस दर्दनाक हादसे को देखते देखते बाहर भीड़ जुड़ गई। सूचना मिलते ही कोकराज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घायल लड़के को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मां बेटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हम जंगली मार्केट करने जा रहे थे बाजार, पहिया आई उसको टक्कर मार के। कौन कौन था आपके साथ? हम रहे, हमारा बहू रहे, छोटा था, चार लोग थे। दो लोग खत्म हो गए, एक पोता गंभीर है। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई, लोग घर से आए इलाहाबाद जा रहे थे मार्केटिंग के लिए, खड़े होकर रोड पर साधन के इंतजार कर रहे थे, उसी में ये आई, क्या कहते हैं, टक्कर मार दिया। कितने लोग मर गए हैं? दो लोग मरे हैं, माँ बेटी मरी है, बच्चे का वो गंभीर है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उत्साह है।